अस्सलाम वालेकुम वासिस कासकी निकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज की ये मेरी वीडियो जो है ये पी शार्ट के ऊपर है। एक सवाल बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल सवाल है, वो ये है कि डस द पी शार्ट रियली वर्क? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये प्रोपेगंडा करते हैं कि पी शार्ट के कोई भी रिजल्ट्स नहीं है। तो उन लोगों उनकी नॉलेज के हवाले से मेरी ये वीडियो है। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो सवाल ये है कि डस द पी शार्ट रियली वर्क? क्या पी शार्ट बाकायदगी के साथ जो है वो काम करती है? तो जवाब इस यस, पी शार्ट जो है वो ड्रामेटिक काम करती है, ड्रामाई अंदाज में काम करती है। पी शार्ट के बेनिफिट्स जो हैं वो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और पी शार्ट एक पायोनियर ट्रीटमेंट है फॉर द इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर। वो मर्द हस्तात जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जो इरेक्शन को मेंटेन करने के काबिल नहीं है, जिनकी इरेक्शन पैदा नहीं होती, जिनके पीनस के अंदर ब्लड आकर जमा नहीं होता, खड़ा नहीं होता, जिनके वेसल्स का जो है वो प्रॉब्लम है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हैं, वो वाइडन नहीं होती, जिनके इरेक्शन या पेनिट्रेशन का इशू है, वो काबिल ही नहीं है कि दुकूल कर पाए, या जिन लोगों के अंदर प्री मेच्योर एजेकुलेशन के इश्यूज हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर वर्ल्ड वाइड पी शार्ट इज बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू। ये आपके लिए जो है वो बड़ी बेस्ट ट्रीटमेंट है, उस हवाले से कि आपका सेक्स ड्राइव जो है वो रिटर्न बैक कर सकता है, आपकी इरेक्टाइल टिश्यूज़ के अंदर जो है वो ग्रोथ पैदा हो सकती है, आपकी इम्पोटेंसी लेवल जो है वो ज़्यादा हद तक कंट्रोल हो जाएगी, और आपकी इरेक्शन की मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी, आपकी इरेक्शन की गेटिंग यानी हासिल करने की जो क्वालिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। मैस्टर्बेशन की वजह से जो सेल्स आपके पीनस के हैं या जो टिश्यूज़ आपके पीनस के हैं जो डेड हो गए हैं वो इम्प्रूव होंगे, और उसके साथ ये पी शार्ट जो है वो आपको ऑफर कर रही है कि आपके पीनस की साइज और गिर्थ जो है वो उसको भी बढ़ा दिए। तो पी शार्ट इम्प्रूव्स योर सेक्सुअल कैपेबिलिटीज। पी शार्ट जो है वो आपके अंदर सेक्सुअल कैपेबिलिटी को बढ़ाती है। बिलफर्स, अगर आपकी सेक्स की ख्वाहिश 15 दिन में एक बार होती है तो पी शार्ट करवाने के बाद आपकी ख्वाहिश या सेक्स ड्राइव की जो तमन्ना है वह हर दूसरे और तीसरे दिन तक जो है वो आ सकती है। और पी शार्ट जो है वो इन्हांस योर अपियरेंस, अपियरेंस जो है वो बेहतर करेगी, शेप आपके पीनस का बेहतर होगा, आपके पीनस की साइज बेहतर होगी, आपके पीनस के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो बेहतर हो जाएगा, आपके पीनस के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। और पी शार्ट इंक्रीज योर सेक्सुअल स्टेमिना। पी शार्ट जो है वो खुद एतमादी पैदा करेगी, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी, और पी शार्ट जो है वो आपके अंदर सेक्सुअल स्टेमिना जो है वो उसमें ड्रामेटिक अंदाज तक जो है वो इजाफा कर सकती है, और इवन इस हद तक पी शार्ट मेंटेन अ लॉन्गर एंड मोर फुलफिलिंग सेक्स लाइफ। आपकी जो सेक्स लाइफ होगी वो करिश्माती तौर पर जो है वो बढ़ जाएगी, और आपकी अस्तवाजी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है, और आपके रिलेशनशिप के अंदर जो एक क्वालिटी है वो डैमेज हो जाती है। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन होती है तो वो डैमेज जो है वो गैप जो है वो फुलफिल हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगी ये चीज़। और पी शार्ट जो है वो इंक्रीज योर सेंसेशन एंड प्लेयर, आपकी खुशी के अंदर इजाफा करती है, आपकी सेंसेशन के अंदर इजाफा करती है। आल्सो पी शार्ट इंक्रीज योर गिर्थ एंड लेंथ, आपके पीनस की जो गिर्थ है और जो आपके पीनस की जो लेंथ है उसमें भी पी शार्ट जो है वो इजाफा करती है। एक सवाल और भी है, वो ये है कि कैन द पी शार्ट ट्रीट पेरोनिस्टिसिस? पेरोनिस्टिसिस आजकल बहुत ज़्यादा हद तक मर्द असरात में फैल चुकी है, और पेरोनीस की वजह से बहुत सारा जो परसेंटेज है मर्द हसरात का वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जाते हैं। तो पी शार्ट पेरोनीस डिजीज के अंदर बड़ी इफेक्टिव है, ट्रीट करने में पेरोनीस को पी शार्ट जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है। जब आपकी पेरोनीस के दौरान
अगर इरेक्शन हो तो ठीक नहीं होती, टेढ़ी सी इरेक्शन होती है, दुखूल प्रॉपर नहीं होता, डिस्चार्ज प्रॉपर नहीं होता, इजेकुलेशन प्रॉपरली नहीं होती, और पेन होता है पीनस के अंदर, पेनफुल इरेक्शन पैदा होती है, बैंड होता है पीनस के अंदर, और डिफिकल्टी पैदा होती है विद सेक्सुअल रिजल्ट्स। रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े आपके इंटरकोर्स के दौरान जो है वो डिफिकल्ट और मुश्किल से जो हैं वो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी जो फुर्सत है या फारिग होने का जो वे है वो थोड़ा सा मुख्तलफ हो जाता है। तो इन सब कंडीशंस के अंदर जो है वो पी शार्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो स्कार बन जाते हैं टिश्यूज के अंदर, पेचेस बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जो पीनस होता है उसके शेफ्ट के अंदर जो है वो पेचेस या प्लेक्स या स्कार्स बन जाते हैं टिश्यूज के, तो ये स्लोली ग्रेजुअली जो पी शार्ट होती है वो स्कार्स, वो पेचेस, वो प्लेक्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, और आपका पीनस जो है वो आस्ता आस्ता 4 to 6 weeks के अंदर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में जो है वो चला जाता है। तो एक सवाल और भी है कि आर द रिजल्ट्स ऑफ द पी शार्ट इंस्टेंट। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसके रिजल्ट्स आरसी बुनियादों के ऊपर होते हैं, वो परमानेंट नहीं रहते, और उसके बाद जो है वो फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके रिजल्ट्स जो हैं वो देर पा हैं, और इसके रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 4 to 6 weeks यानी 2 to 3 महीने का अरसा जो है वो आफ्टर ट्रीटमेंट इसके फुल रिजल्ट्स आने में जो है वो लगते हैं। और पी शार्ट के अंदर जो भी लोग जाते हैं तो उनमें इम्प्रूवमेंट जो है वो तकरीबन ओवर 80% जो है वो पैदा होती है। वर्ल्ड वाइड पी शार्ट के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। पी शार्ट के दूसरे नाम भी हैं, ओ शार्ट के नाम से भी इसको याद किया जाता है, प्रियापस शार्ट के नाम से भी इसको याद किया जाता है, मेल एनहांसमेंट शार्ट के नाम से भी इसको याद किया जाता है। और हमारे यहाँ जो पी शार्ट होती है, जो प्रोसीजर हम करते हैं उसकी कीमत जो है वो 30,000 है, और हमारे यहाँ जो मशीन सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, वो हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से भरपूर सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ करते हैं, विथ डबल स्पाइनिंग मशीन होती है जिसमें जो है वो बेस्ट अंदाज में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है वो बनते हैं, और जितने बेस्ट अंदाज में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनते हैं तो उतने बेस्ट रिजल्ट जो हैं वो आपको मिलेंगे। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो दोबारा भी मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।